अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज खदीजा के रसोई में हम शेयर कर रहे हैं ड्राई कीमा। तो ये सब तैयारी करके रखे हैं, मसाला निकाल के। और यहाँ पे देखिए, ये सरसों का तेल है जो कलछी भर कर नहीं है, थोड़ा सा खाली है, इसको डाल देते हैं। तो आज फ्राइडे है, दाल के साथ हम ड्राई कीमा ट्राई कर रहे हैं। सोचा आपके साथ ये छोटा सा सिंपल रेसिपी शेयर कर दें। इसको गर्म होने देंगे अच्छे से, सरसों का जो कच्चापन है स्मेल तेल का वो निकल जाना चाहिए अच्छे से। जब से तेल गर्म हो रहा है, ये गर्म मसाला में देखिए, दो छोटी इलायची, तीन चार लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता मैंने लेकर रखा है, ठीक है, 250 ग्राम कीमा के लिए है। तो तेल गर्म हो गया, तेज पत्ता डाल देते हैं, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची और ये लौंग। तो ये हम लोग डायरेक्ट पकड़ रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आएगा, वॉइस ओवर का टाइम नहीं है, डायरेक्ट ही पकड़ के रिकॉर्ड करके हम आपको बता देंगे, तो वॉइस ओवर में काफ़ी टाइम लगता है। और ये प्याज है, तीन छोटा से थोड़ा बड़ा प्याज था जिसे हमने स्लाइस करके रखा है, प्याज डाल देते हैं अब हम। तो प्याज देखिए मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मसाला नहीं देगा, सिंपल सा दाल चावल के साथ अभी से बना सकते हैं, खिचड़ी के साथ, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सूखा कीमा रहेगा, ड्राई कीमा। तो चलिए इसे थोड़ा लाइटिश ब्राउन कर लेते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होके इसका जो क्वांटिटी है ना प्याज़ कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्याज लाइटिश ब्राउन हो गया है, बस ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करेंगे। अब ये जो पूरी कीमा धो के रखा है मैंने 250 ग्राम, ये इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे कीमा को, फिर इसमें मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और ड्राई मसाला जो भी डाल रहे हैं, फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे देखिए इसको 30 सेकेंड तक मैंने भून लिया। अब इसमें मसाला डालते हैं। तो ये अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन। ये पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, मसाले का पानी है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी मैंने लिया थोड़ा सा, और ये 1 चम्मच से कम लाल मिर्च है, और नमक जायके के हिसाब से, ठीक है। बस और कुछ नहीं जाएगा, धनिया, जीरा, गरम मसाला पाउडर कुछ नहीं डाल रहे, सिंपल ड्राई कीमा हम भून रहे, कम मसाले के साथ बनेगा, अच्छा बनेगा। हम तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगे मैं मसाले के साथ हाई फ्लेम पर, फिर पानी डाल के इसको बॉयल आने के बाद कीमा को गलने तक हम पका लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके भून लिया है, तो इसमें बस आधा गिलास पानी डालेंगे, हाई फ्लेम करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है। देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसका फ्लेम स्लो कर देंगे बाद में। चलिए इसको पकने देते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गया है, अब इसको भूनना है, जब पानी जो है सब ड्राई कर देना है भून के। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, इसका फ्लेम बंद करके 2-3 मिनट तक हम इसका लिड बंद कर देते हैं। देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, बस हमारा कीमा तैयार है, इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे, रेटिंग हम कर नहीं रहे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस हमारा कीमा तैयार है, आप हरा धनिया सब डाल दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया, आप इसे सर्व कर सकते हैं प्लेन चपाती या पूरी के साथ भी।